प्लीज जरा आ जाइए मंच पर। क्या हाल है ऋतुराज? कुछ नहीं, अच्छा हो? अच्छा, ये क्या मतलब, कोई मॉल में शॉपिंग वॉपिंग करने का प्लान है आज? पहले कोई बात नहीं, ये सर खुजाता है, इसको याद आता है। हाँ। हाँ। क्या है, जुए है क्या तेरे सर में, खुजा क्यों रहा इतना? चल चल मर चल। हाँ ठीक है, रेडी ऋतुराज? हाँ रेडी। हाँ? हाँ। तो अभी क्या ट्रॉली के साथ, मतलब क्या अंदर बैठना है, कोई स्टोरी हाँ, है क्या? सब प्लान कर रहा हूँ इसके साथ, पूरा निचोड़ रहा हूँ इसको। ट्रॉली को निचोड़ रहा? कमाल है, किसी ने मतलब प्लान किया कि तुम जाओ सामान लेके आओ, किसी ने भेजा है तुम्हें? हाँ। किसने? वो मैं डांस में बताऊँ। अच्छा डांस में बताऊंगा, कमाल है यार, ये तो कुछ बता ही नहीं रहा। तो एक काम करते हैं, जोरदार तालियां हो जाए धर्मेश के ढिंचा ऋतुराज के लिए। ऋतुराज ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। ऋतुराज थैंक यू सर, ऑल द बेस्ट। मोटुराज आई लव यू, आई लव यू टू। ये चाहिए इसके बाद, ठीक है ना? ऑल द बेस्ट। अरे इसको मोटू मोटू क्यों बोलते हैं यार, बहुत पतला, ये तो हो गया, पतला हो गया। ये मेरा प्यार का नाम है डैडी। दिल तो बच्चा का ऑडिशन एपिसोड से तो अभी तो मतलब एकदम मतलब तो डांस करते करते वो पतला हो गया। नहीं तो क्या हो गया, परफॉर्मेंस में तो बड़ा है, मोटा है एकदम। यू हैव लॉस्ट वेट, वेरी गुड। थैंक यू सर। ऋतुराज रामू कहां मर गया, ये बड़ा कामचोर हो गया है तू। जल्दी मेरे बच्चे का डायपर लेके आ, वरना तेरी नौकरी राम के भरोसे। उठना तो पड़ेगा यार, क्योंकि इतना बढ़िया परफॉर्मेंस हो तो उठना पड़ता है। जोरदार ताली हो जाए यार। धर्मेश सर पहले आगे भाग के, क्या बात है, अभी नैया पे सवार हो। अब तुम्हारी नैया जो है वो पार लगेगी कि नहीं ये मैं नहीं बताऊंगा ऋतुराज, ये बताएंगे हमारे हेडमास्टर संदीप सर। ऋतुराज आपके जो एक्सप्रेशन है जिसको हम लोग डांस में अभिनय टाइप के बोलते हैं, That part of it of yours is just fabulous. Though I felt prop का use जो था वो थोड़ा कहीं कम हुआ, but इससे मुझे ये जरूर पता चल रहा है आपके इस act से कि हमारे घर में जो काम करते हैं वो जब बाहर जाते हैं तो वो क्या करते हैं। Thank you for a lesson that you have taught us.
धर्मेश, आई कैन अंडरस्टैंड तुम पे प्रेशर सबसे ज्यादा है क्योंकि तुम्हें हर हफ्ते 3 acts करने पड़ते हैं, वेयर एज अदर स्किपर्स को सिर्फ 1 करने पड़ते हैं क्योंकि तुम्हारे 3 बच्चे हैं. इसीलिए मैं ये कहूंगी कि 3 acts में से ये सबसे वीक था तुम्हारा आज, तो आई कैन अंडरस्टैंड द प्रेशर, इसलिए मैं तुम्हें आज माफ कर देती हूँ धर्मेश. मास्टर रेमो, रुद्राज, मैंने सारे परफॉर्मेंस देखे हैं, आप मेरे फेवरेट हो. मैंने पिछली बार जो आपने सोलो किया था, आई थिंक इतना कमाल का था कि मैंने कहा कि आप ऑलमोस्ट धर्मेश की टक्कर तक गए थे. और आपके अंदर है वो पूरी एनर्जी और पूरा जितना एक अच्छे और एक प्रोफेशनल डांसर के अंदर होता है ना, वो सब क्वालिटी आपके अंदर है. लेकिन यस, मैं भी ये मानता हूँ कि आज का जो परफॉर्मेंस था ये वाला, वो वैसा ऋतुराज का परफॉर्मेंस नहीं था जैसा ऋतुराज देता है. थोड़ी सी कमी थी इसमें, बट नो प्रॉब्लम. इतने सारे अच्छे परफॉर्मेंस दिए, एक ओके परफॉर्मेंस दिया, तो क्या हुआ, नेक्स्ट टाइम आएंगे फुल ऑन. ऑल द बेस्ट. थैंक यू सर. मास्टर गीता, सी मैं हमेशा ऋतुराज को जब भी देखती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि छोटा धर्मेश खड़ा है. सो एज फार एज आई एम कंसर्न्ड, आप हमेशा मेरे लिए ऐसे रहोगे. ओके, आई लव यू. थैंक यू. मास्टर टेरेंस का मेन्यू कार्ड बन चुका है, तो इसमें से कौन सी खट्टी डिश पहले बताएंगे, मीठी या मिर्ची वाली, क्या है? मीठी डिश ये थी कि आपकी परफॉर्मेंस और आपकी जो टैलेंट की जो एक्टिंग की टैलेंट है वो बहुत अच्छी लगी मुझे. थैंक यू सर. थोड़ी सी खट्टी चीज जो थी सब लोग ने कह दिया, तो उसको वापस दोहराने से क्या फायदा, राइट? अगर दादा होते तो बोलते थे आज शायद जीतूराज आपका दिन अच्छा नहीं है, दैट्स ऑल. बट इट्स नॉट दैट कि आप अच्छे डांसर नहीं हो, आप अच्छे परफॉर्मर नहीं हो. डू रिमेम्बर योर इंडियाज बेस्ट. थैंक यू सर. ओके, एंड आपके हाथ पर, आपके सर पर धर्मेश सर का हाथ है. सो ऑल द बेस्ट. ओके ऋतुराज, थोड़ी सी टेंशन नहीं, अगले टाइम अच्छा परफॉर्मेंस, इससे भी अच्छा. क्या बात है, क्या बात है, यही स्पिरिट होती है. लेट्स हैव अ बिग हैंड.